फ्रेंड्स, आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी A33 और आपको जाना है इस फोन के अंदर नेटवर्क स्पीड के लिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे जान सकते हैं। और आप ये भी जानना चाहते हैं डेली डेटा आपने कितना यूज कर लिया, मतलब एक दिन में कितना डाटा आपने यूज किया है, इसके बारे में आपको जाना है, जो कि आपके स्टेटस बार में ये आपको शो होता रहे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे शो करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक ऐप्स डाउनलोड करना है जिसका नाम रहेगा नेट स्पीड इंडिकेटर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सेटिंग बता देता हूं, यहां पे आपको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, जो कि आपको डेली डेटा यूज जानने को मिलेगा और आपको नेट स्पीड मीटर यही शो कराता रहेगा आपकी नेट स्पीड। तो चलिए इसको ओपन कीजिए। सबसे पहले यहाँ आपको एक ऑप्शन डिसेबल देखने को मिल जाता है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस तरह से इसको इनेबल करा लेना है। तो आपको ये वाला एप्लीकेशन जब काम करेगा जब आपका नेटवर्क कनेक्शन ऑन रहेगा, नेट जैसे आप ऑन करेंगे नेटवर्क स्पीड आपके स्टेटस बार में शो होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ अगर आपको इस फोन में डेली डेटा यूजेस जानना है तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, आपको देखने को मिलेगा डेली डेटा यूजेस, यहाँ से इस फीचर को इनेबल करा के यहाँ पर ओपन सेटिंग पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ से इसको एक परमिशन दे दीजिए, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आपको ये परमिशन दे देनी है। तो आपने दिन में कितना डेटा यूज किया ये आपके स्टेटस बार में शो हो जाएगा और नेट स्पीड क्या आ रही है ये भी आपको स्टेटस बार में शो होती रहेगी। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप ये जान सकते हैं। अगर वाईफाई डाटा भी आप जानना चाहते हैं तो कितना आपने वाईफाई से डाटा यूज किया, तो आप इस वाले फीचर को इनेबल करा के आप ये भी जान सकते हैं। तो इस तरह से इस फोन में आप नेट स्पीड को और डेली डेटा यूजेस को जान सकते हैं।